हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे जापानीज लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा शिमिज़ू एस्पुल्से और कयोटो सांगा के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस, शिमिज़ू एस्पुल्से जापानीज लीग में फिलहाल के टाइम पर 11th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें कयोटो सांगा फिलहाल के टाइम पर 14th पोजीशन पर है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए शिमिज़ू एस्पुल्से को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपना होम ग्राउंड मैच खेलती है या तो मैच को विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं शिमिज़ू एस्पुल्से को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस, हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइस, इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं, जिनमें से शिमिज़ू एस्पुल्से ने इस टीम के सामने 2 मैच विन करे हैं, 2 मैच ड्रॉ भी खेले हैं और 2 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया है। कहना का मतलब, जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो दोनों टीमों की तरफ से 50-50 रिजल्ट देखने को मिलता है, अटैक से लेकर डिफेंस तक और मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ और लॉस करने तक। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को कयोटो सांगा इसी टीम के सामने 1-0 से मैच को कर गई। अटैकिंग वाइज 1 गोल स्कोर करा, लेकिन डिफेंस से 1 भी गोल कंसीड नहीं किया। और उससे भी मुकाबला डिफेंसिव ड्यो इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, और उससे भी मुकाबला शिमिज़ू एस्पुल्से ने 4-1 से विन किया, और एक मैच फिलिस्टीन इन दोनों टीमों के बीच में 2-1 से खेला गया और उस मैच को सांगा विन की, और एक मैच अटैकिंग ड्रॉ खेला गया और उससे भी मुकाबला फिर शिमिज़ू एस्पुल्से इस टीम के सामने 4-2 से विन किए। तो परफॉर्मेंस अगर इन दोनों टीमों की ओर से देखा जाए तो दोनों टीमों की ओर से 50-50 है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। लेकिन अब बात आती है इन दोनों टीमों की जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, शिमिज़ू एस्पुल्से ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 3 मैच विन करे हैं, 2 मैच ड्रॉ खेले हैं, सिर्फ 1 मैच लॉस किया है। अटैक से 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1 गोल तक कंसीड किया है। कहने का मतलब, ये टीम फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक मैच में कम से कम तो 1 और कभी कभी तो टीम पर मैच में 2 या 3 गोल तक स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर टीम के सामने ही गोल कंसीड करती, वरना हल्की टीम के सामने ये टीम गोल करती है और मैच को विन भी कर लेती है और दूसरी टीम को गोल तक करने नहीं देती। तो परफॉर्मेंस रिसेंटली शिमिज़ू का काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। अब बात करें जो पिछला मैच शिमिज़ू एस्पुल्से कासिवा रिसोल के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही है। अटैक से 1 गोल किया, लेकिन डिफेंस से गोल तक कंसीड 1 किया, और उससे पहले 2 मैच इस टीम ने विन किए हैं। दोनों मैच में इस टीम ने 2-2 गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से गोल तक कंसीड नहीं किया, और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला, उस मैच में इस टीम ने 3 गोल स्कोर किए और 3 ही गोल कंसीड किए, और उससे मुकाबले उराव राइड्स सामने ये टीम 2-1 से मैच को लॉस भी की है, और उससे पिछले मुकाबला नागोया ग्रम्पस के सामने 2-0 से विन किया है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए, अटैक भी काफी शानदार है और डिफेंस से भी जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। तो गाइस, अब बात आती है कयोटो सांगा का जो करंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, कयोटो सांगा ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 1 मैच विन किया, 3 मैच ड्रॉ खेले और 2 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.3 गोल पर मैच तक कंसीड किया। कहने का मतलब, ये टीम पर मैच में कभी कभी तो स्कोर कर ही देती है और अधिकतर गोल पर मैच में कंसीड भी कर देती है। अब बात करें जो पिछला मैच कयोटो सांगा कासिवा रिसोल के सामने ही ये टीम 2-1 से मैच को लॉस करके आ रही है, और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेले, दोनों मैच में इस टीम ने 1 गोल स्कोर किया, लेकिन 1 गोल कंसीड किया, और उससे पिछले मुकाबले टीम 2-1 से विन की है, और एक मैच 1-0 से लॉस किया, और एक मैच इस टीम ने 2-2 से ड्रॉ भी खेला। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए, अटैक काफ़ी शानदार है, प्रत्येक मैच में गोल स्कोर कर ही देता है, लेकिन डिफेंस भी थोड़ा सा डाउन है, प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देता है। तो गाइस, अब बात आती है, अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर ले कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस, शिमिज़ू एस्पुल्से पॉइंट्स टेबल में फिलहाल टाइम पर एज कम्पेयर टू कयोटो सांगा एक बेहतर पोजीशन है, ओके। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिमिज़ू एस्पुल्से और कयोटो सांगा के बीच में जब भी मैच हुए हैं, दोनों टीमों ने 50-50 रिजल्ट देखने को मिला है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिमिज़ू एस्पुल्से का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। और कयोटो सांगा का जो परफॉर्मेंस है, डिफेंसिव गोल कंसीड कर देती है और अटैक भी कहीं ना कहीं इस टीम का 1 गोल स्कोर कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में हल्की सी फेवरेट टीम
शिमिजू एस्पूल से देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि आज के मैच में शिमिजू एस्पूल से कम इस टीम के सामने 2 गोल तो स्कोर कर देगी, क्योंकि रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार है और शायद आज के मैच में 1 गोल कंसीड कर सकती है, क्योंकि कायोटा सांगक रिसेंटली अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल स्कोर कर देती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन 2-1 होना चाहिए और 2-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो हम सब उस पर नज़र डालते हैं शिमिजू एस्पूलसे के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे कायोटा सांगक जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो एक बार नज़र डालते हैं शिमिजू एस्पूलसे के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो वीडियो तो आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेंगी इस YouTube चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के टॉप के कॉमेंट में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सब उस पर नजर डालते हैं शिमिजू एस्पूलसे के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस शिमिजू एस्पूलसे की तरफ से कुछ सिलेक्टेड ही प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे जिनको ट्राई करना। थियागो संताना इस टीम की तरफ से एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है और आज के मैच में इन्हें आप टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन आराम से बना सकते हो। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करता है तो ट्राई करके चलना ही चलना है। फिर यहाँ से बेंजामिन क्लोली है जो कि इस टीम की तरफ से 3 गोल कर चुका है। यहाँ से सुजुकी है जिसने 3 गोल किए हैं और यहाँ से इची काटायामा जो कि 2 गोल कर चुका है। बाकी यहाँ जितना और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का 1-2 गोल आए हुए हैं लेकिन इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं। ओके, तो इनका आप रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। जो यहाँ से टॉप प्लेयर है जिनको मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा, एक यहाँ से कार्ली हॉस जूनियर, ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है। थियागो संताना अच्छा प्लेयर है। बेंजामिन क्लोली एक अच्छा प्लेयर है। तो इन बेंजामिन और सुजुकी इन दो में से कोई एक ही ट्राई मतलब खेलेगा तो उसी को हम टीम में ट्राई करके चलेंगे। ओके, तो जो टॉप प्लेयर है यहाँ से वो मैंने राइट के टिक कर दिया, उन्हें हम टीम में भी ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामले अगर देखा जाए तो यहाँ से रियोन यामाहारा जो कि 6 असिस्ट निकाल चुका है, थियागो संताना ने 5 असिस्ट निकाले, कामे यूटा 4 असिस्ट निकाल चुका, जूनियर जो कि गोल असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर यहाँ से सुजुकी भी है जिसने गोल 3 किए हैं और 2 असिस्ट निकाले। तो यहाँ से वही प्लेयर्स आपको फिर से देखने मिलेंगे और इन प्लेयर्स को तो आप हम टीम में ट्राई करके चल ही देना। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है कायोटा सांगा, उसके जो प्लेयर्स हम बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नज़र डालते हैं कायोटा सांगा प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस सांगा की तरफ से भी आपको कुछ ही सिलेक्टेड प्लेयर देखने को मिलेंगे इस मैच में जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे। वो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैट्रिक उटा का देखने को मिलेगा जो कि इस टीम तरफ से 9 गोल कर चुका है, मतलब पीटर उटा का। ओके, फिर यहाँ से टेके टोमी जो कि 3 गोल निकाल चुका है। फिर यहाँ से उगीवारा जो कि 2 गोल निकाल चुका है। बाकी के रिकॉर्ड सामने आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन यहाँ से जो पेनल्टी लेगा ना यहाँ से वो है जैन की, ये इस टीम तरफ से पेनल्टी करा है। और फिर सेकंड बैकअप में यहाँ से आपको पीटर देखने को मिलेगा, इन दो में से कोई एक पेनल्टी लेगा और आप इन दोनों को ट्राई करके चल सकते हो। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामला अगर देखा जाए तो यहाँ से पीटर उटाका है जिसने 2 असिस्ट निकाले हैं, यहाँ से टेके टोमी जो कि 2 असिस्ट और यहाँ से कावासाकी है जिसने 2 असिस्ट निकाले, बाकी के रिकॉर्ड सामने आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ से पीटर एक बेहतर प्लेयर है और यहाँ से टेके टोमी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्यों? क्योंकि ये इन दोनों प्लेयर्स का गोल में भी और असिस्ट में भी कंट्रीब्यूट रहा है। ओके, तो अब बात आती है इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, मैंने रखा है 2-1 और 2-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहना चाहिए इस मैच जो हमारे शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो सीधे नज़र डालते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम पर और इस वीडियो को सेकेंड बेस्ट पार्ट पर। तो गाइस सबसे पहले बात करें गोलकीपर सेक्शन से, तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इस मैच में फेवरेट टीम शिमिजू एस्पूलसे है, तो इसलिए हम उस टीम के 7 प्लेयर पिक करेंगे और यहाँ से कायोटा सांगा के सिर्फ 4 प्लेयर पिक करेंगे और 7-4 के कॉम्बिनेशन के अनुसार इस मैच में हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे विद कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन साथ। ओके, तो यहाँ से बात करें गोलकीपर सेक्शन से, मुझे लगता है कि पुलसे का अटैक काफ़ी अच्छा है और कायोटा सांगा का इस मैच में डिफेंस टेस्ट हो सकता है, तो इसीलिए मैं कायोटा सांगा की तरफ से कामी फुको मोटा को टीम में ट्राई करके चलता हूँ। ओके, तो आप चाहते हैं यहाँ से गोंडा को पिक कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ से फुको मोटा को टिक करके चलता हूँ। बात करें डिफेंडर सेक्शन से, जो यहाँ से आपके सामने जो टॉप बेस्ट परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे यामाहारा जो कि बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी शानदार,
निकाल लेता है तो इसको टीम में ट्राई करना बनता है। फिर आपके सामने सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा सुजुकी, जो कि गोल और असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट है, तो इनको पिक करना बनता है। फिर यहाँ से काटायामा, जो कि इसका परफॉर्मेंस इस टीम के लिए रिसेंटली अच्छा आया है। आप अगर क्लीन शीट मेंशन करना चाहते हो, यहाँ से टेटसुटा और यहाँ से ओगीवारा, इन दो को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ पिक कर चला हूँ टी हारा को, क्योंकि इसका डिफेंस नंबर काफ़ी बेहतरीन है, तो इनको पिक करना बनता है। ओके, बाकी यहाँ जितने और प्लेयर्स हैं, अगर ये खेलेंगे भी लाइनअप के बाद इनको ट्राई करेंगे, क्योंकि इनका अभी मुझे खेलने का चांस लग भी नहीं रहे, और अगर खेलेंगे भी तो इनका जितना डिफेंस नंबर बेहतर रहेगा नहीं, वो लाइनअप के बाद पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर इनमें से ऐसा है जो ज़्यादा मिनट फील्ड में बिताएगा और बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट दे जाएगा। ओके, तो वो लाइनअप के बाद, बाकी यहाँ से इतना कंसिस्टेंट ये प्लेयर है नहीं तो ड्रॉप करेंगे। बात करें मिडफील्ड सेक्शन से, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी यहाँ से, वो आपके सामने टेकेटोमी, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसने गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट किया है इस टीम के लिए, तो ट्राई करना बनता है। फिर यहाँ से इनो को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, ये ऐसा प्लेयर है यार जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो करता है लेकिन ये डिफेंस करता है, मतलब इसका गोल और असिस्ट आने का चांस बहुत कम रहते हैं, और ये ऐसा प्लेयर जो बिना गोल के 20 प्लस पॉइंट दे ही जाता है, तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। ओके, मटसुडा जो कि इस टीम की तरफ से एज ए डिफेंसिव पॉइंट है, मतलब जो काफी अच्छा देता है, और यहां से कनेको भी है। फिर मैं यहां से पिक करना चलूंगा यहां से कावासाकी, जो कि इसकी टीम के लिए कॉल और सिर्फ दोनों में कंट्रीब्यूट कर चुका है, तो इन दो प्लेयर्स को पिक करना बनता है मेरा। ओके, फिर यहां से आपके सामने जो और प्लेयर्स हैं, मटसुका है और टेकेओची है, इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि इनका इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता नहीं है, और जिनका कंसिस्टेंट नहीं है तो उनको ट्राई करना क्या, उनको ड्रॉप ही करेंगे। ओके, बाकी यहाँ जितना और भी प्लेयर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका इतना बेहतर मतलब सोजा अगर खेलेगा तो इनको आफ्टर लाइनअप ट्राई करेंगे, और यहाँ से रहना तो अगस्त, तो अगर ये खेलेगा तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी ट्राई करेंगे, लेकिन इनकी पोजीशन को देखते हुए। ओके, क्योंकि ये बेस्ट प्लेयर हैं इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ। ओके, तो यहाँ जो टॉप प्लेयर और हैं, जो यहाँ से मटसुडा है, ये काफ़ी मुझे लगता है कि सही परफॉर्मेंस कर सकता है इसमें, चाहे यहाँ से आप सिरासाकी को पिक कर सकते हो, चाहे यहाँ से मटसुडा, मैं अभी के लिए सिरासकी को पिक कर चला हूँ। बात करें सेंटर फॉरवर्ड, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी पीटर उटाका रहेगी, फिर यहाँ से थियागो संताना रहेगी। ये टॉप प्लेयर अपनी टीम की तरफ से गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट किया है, तो इनको तो पिक करना बनता है। फिर आपके सामने बेंजामिन कोलोलू रहेगा, और एक प्लेयर और है जिसका नाम है जूनियर, वो आपको यहाँ पर, हाँ, कार्लोस जूनियर, जो कि इस टीम तरफ से ये अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है, तो इनको ट्राई करना, लेकिन लाइनअप के बाद। ओके, फिर यहाँ से आपके सामने मुझे और प्लेयर्स पर किसी पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो मैं यहाँ से सुजुकी भी अच्छा प्लेयर है जिसने गोल असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इनको ट्राई कर सकते, लेकिन मैं अभी के लिए जूनियर को पिक कर चलता हूँ। ओके, बात करें कैप्टनसी की, तो मुझे लगता है कि आज के मैच में कैप्टनसी थियागो संताना को देनी चाहिए, और वाइस कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि पीटर उटाका एक अच्छा साबित हो सकता है इस मैच में, क्योंकि दोनों टीमों की तरफ से अगर गोल हो जाएंगे तो इन प्लेयर्स का सबसे ज़्यादा गोल आने का चांस रहेगा, तो इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन ये है। लेकिन लाइनअप के बाद जो टीम में चेंजेस होंगे ना, वो मैं लाइनअप के बाद करूंगा, क्यों, क्योंकि लाइनअप के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट दे जाएगा और फुल 90 मिनट भी खेलेगा, और सबसे ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन पर कौन सा खेलेगा, उसके अनुसार फाइनल टीम रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो टॉप प्लेयर हैं, जो आपको भी कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, वो यहाँ से जूनियर है, और यहाँ से टेकेटोमी है, और यहाँ से सुजुकी है, ये तीन बेहतर प्लेयर हैं, तो इनको भी आप टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन एक दो में कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी जाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय दोस्तों।